इनके ही पैरेलल या कहीं समांतर जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका भी जो योगदान है देश में वो काफी ज्यादा है। तो देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को ही 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इनका जो जब इनका कार्यकाल चल रहा था, तो उस टाइम छोटी सी दुर्घटना हो जाती है, यानी जो पटरी से गाड़ी उतर जाती है, बस जनधन की हानि नहीं होती। इन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उस पद से इस्तीफा दे दिया कि नहीं, रेल मंत्री हूँ और मेरी गैर जिम्मेदारी में, रेल मंत्री हूँ तो मेरे पद पर होते हुए मेरे कारण में एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, उसके बावजूद एक घटना होती है जिसका जिम्मेदार मैं हूँ, और स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिया। आजकल कितने नेता या कितने ऐसे पद होंगे जिनसे लोग अपना इस्तीफा देते होंगे छोटी मोटी गलती से, सैकड़े लाखों लोगों की मतलब जिंदगी चली जाती है। लेकिन इस तरह की जो सच्चाई होती है अंतर मन की और जो सादगी होती है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने, तो देखिए इनकी सादगी ऐसी थी, गरीबी में इन्होंने बचपन से स्टार्ट से स्वाभिमानी थे कि किसी भी चीज के लिए मतलब कि घर वालों से चीज नहीं करते, जो चीजें हैं सुख सुविधा है उन्हें पढ़ाई की। इनके बारे में कहा जाता है कि जो रोड लाइट होती है उनमें उन्होंने अपनी पढ़ाई करते थे, रात को जब भी रोड लाइट के पास रोड पे बैठ के, अभी नियर बाय जो घर था उसमें।